और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अफ्रीकी देश कांगो में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। कांगो के गोमा शहर में ज्वालामुखी फूटने से हड़कंप मच गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोमा एयरपोर्ट तक पहुंचा ज्वालामुखी का लावा, रिहायशी इलाकों में लावा पहुंचने से भगदड़ मची है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, घर बार छोड़कर जाते दिखे लोग। अफ्रीकी देश कांगो के गोमा शहर में ज्वालामुखी फूटने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और फिर गर्म लावा दरिया की तरह बहने लगा। माउंट निया गोंगो ज्वालामुखी के फूटने से लावा रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस लावा के शहरों तक पहुंचने के बाद, रिहायशी इलाकों में पहुंचने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। गोमा के एयरपोर्ट तक भी लावा पहुंच गया है, जिसके बाद से ही लोग जान बचाकर भागते हुए दिखे। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से कांगो में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और दूसरी तरफ शहर में जब लावा आया तो लोग भागते हुए नजर आए, उनको अपनी जान की फिक्र थी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और लोग अपनी जान बचाने के लिए शहर को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग हैं, हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कंट्रोल पाया जाए। तो ये दो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और उसके बाद ये ज्वालामुखी का जो लावा है वो रिहायशी इलाकों की तरफ बहने लगा और अफरा तफरी का माहौल बचा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भी भागते हुए नजर आए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आहट है। दौसा में 20 दिन में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। 1 मई से 21 मई के बीच 341 बच्चे संक्रमित हुए हैं। 18 साल तक के बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर की आहट साफ दिखाई दे रही है। दौसा में 20 दिन में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1 मई से 21 मई का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 341 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और सभी की उम्र जो है 18 साल तक की बताई जा रही है। हालांकि तीसरी लहर को लेकर पहले से ही एक्सपर्ट्स ये डर या आशंका जाहिर कर चुके हैं कि ये तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में लेगी और ऐसे में राजस्थान से भी अब तीसरी लहर की आहट की खबरें सामने आने लगी है। राजस्थान से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक राजस्थान में दिखाई दे रही है। डूंगरपुर में 300 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 10 दिनों में 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। 18 साल से कम उम्र है इन बच्चों की भी। तो राजस्थान में दौसा और डूंगरपुर दोनों जगहों पर बच्चों में संक्रमण जबरदस्त तरीके से पाया जा रहा है। सवाल ये है कि अब इस लहर की क्या तैयारी और बच्चों को कैसे सेव किया जाए। और हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। हिमांशु, एक तरफ दौसा दूसरी तरफ डूंगरपुर, दोनों ही जगहों की तस्वीरें लगभग एक है। तीसरी लहर जिसका अंदेशा था वो आने की बात कही जा रही है, कई बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। देखिए फिलहाल जिस फिगर में ये आंकड़ा निकल करके आया है निश्चित तौर पर चिंता को बढ़ा देने वाला है, क्योंकि दौसा और डूंगरपुर ये दोनों कोई बड़े जिलों में से नहीं आते। जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इन जिलों में कम है और जिसके बाद में जिस तरह के आंकड़े फिलहाल यहाँ से निकल करके आ रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि थर्ड वेव की जो आहट है वो यहाँ से निकल रही है। आपको बता दें कि दोनों ही जिलों में 300 जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा देने वाला है और सीधे तौर पर बता रहा है कि थर्ड वेव को लेकर के जो अलर्ट दिया गया था, बच्चों को लेकर के जो खतरा बताया गया था, वो सीधे तौर पर राजस्थान के इन दो जिले डूंगरपुर और दौसा से निकल करके आ रहा है। निश्चित तौर पर अब पूरी की पूरी जो स्वास्थ्य महकमा है उनकी चिंता इन आंकड़ों के साथ में बढ़ गई है, क्योंकि 300 का फिगर अपने आप में छोटा नहीं होता और फिलहाल कह सकते हैं कि इसको लेकर के एहतियातन की बिल्कुल हिमांशु। और देखिए सबसे पहले तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है राजस्थान के इन दो जिलों में, दौसा और डूंगरपुर। ऐसे में तैयारियां क्या पुख्ता है, क्योंकि सितंबर तक का अंदेशा जताया जा रहा था कि सितंबर में तीसरी लहर की एंट्री हो सकती है, लेकिन समय से पहले अगर तीसरी लहर के केसेस सामने आ रहे हैं तो ऐसे में इंतजाम क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता है? देखिए बहुत वाजिब सवाल है, आपको बता दें कि जिस तरह का जो अलर्ट है जो मिला है उसके बाद में न केवल दौसा और डूंगरपुर बल्कि राजस्थान के फिलहाल हर जिले के अंदर जो शिशु चिकित्सालय है वहाँ पर जो बेड्स हैं ऑक्सीजन बेड्स का फिगर जो है वो इंक्रीज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे इसको लेकर के भी जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो शिशु चिकित्सालय में लगाए जा रहे हैं। मेडिसिन को लेकर के भी जो स्टॉक है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इन सबके साथ में डॉक्टर्स की टीम को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। न केवल ये
डूंगरपुर और दौसा बल्कि हर जिले के लिए जो खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वो खुद लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग करने के साथ में किसी भी चिकित्सालय में शिशु चिकित्सालय में ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं रहे और साथ में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे मेडिसिन। बिल्कुल हिमांशु, बहुत जरूरी है ये कि तमाम व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द किया जाए ताकि बच्चों को इस लहर से आजादी मिल चुके।